बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सरगर्मियां तेज हो रही हैं, तो वहीं कांग्रेस से विधायक प्रत्याशी आनंद कौशिक भी लोगों से डोर टू डोर जाकर प्रचार में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि विधायक प्रत्याशी आनंद कौशिक ने लोगों से मिलकर कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। मैं कहना चाहूँगा, ये पेट्रोल डीजल के और प्याज के टमाटर के रेट बताए ना 75 बार का, उनको पता है कांग्रेस की सरकार बन रही है कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी और विकास कार्य करेंगे। जो जुमलेबाजी भाजपा सरकार है अब वो चलने वाली नहीं है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। सब जनता देख चुकी है, आम आदमी परेशान है, सब रिश्वतों में लिप्त हैं। अब सबका बड़ा जोश है जनता में, कांग्रेस का राज्य को लाना है, अच्छे दिनों की सरकार नहीं चाहिए, पिछले दिन लाने हैं, पुराने दिन की इंतजार कर रहे हैं। सब जनता कांग्रेस के साथ है, पूरा जोश के साथ कांग्रेस की मदद कर रही है और कांग्रेस के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी। जी, जनता के बीच में आप गए हो, कैसा प्रभाव मिला है जनता से? क्या बहुत अच्छा मिला है, इतना प्यार मिला है जी। बहुत 5 साल से इतने पीड़ित हैं लोग जी, ना पानी है, ना सीवर की सीवर का पानी पी रहे हैं लोग, साफ पानी नहीं मिल रहा, बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, फैक्ट्रियां बंद होने लग रही हैं, युवा बेरोजगार घूम रहा है। आज जनता चाह रही है, बड़ा जोश के साथ कांग्रेस सरकार को बना रही है और आनंद कौशिक विधायक को बना रहे हैं, बहुत भारी बहुमत से जिता रहे हैं। धन्यवाद। कितना लगता है, कितनी वोट आप अपने पाले में घेर पाएंगे आपके बाद? एक तरफा मामला होगा सारा, एक तरफ हाँ एक तरफा मामला होगा, कांग्रेस सरकार बनेगी, आनंद कौशिक जी भारी बहुमत से विजय होंगे, टॉप में जाएगी। फरीदाबाद की 9 सीटों में से 9 कांग्रेस की हैं, लोगों को बीजेपी की पोल पट्टी पता लग गया, धुआं मार रहे हैं, उन पर कुछ भी नहीं है, लोग अंदर से बात कर रहे हैं कि हमने तो कांग्रेस को देना है, बड़ी गलती की है। तो ये सीट तो बहुत अच्छी वोटों से निकलेगी, क्योंकि इन्होंने पहले भी यहाँ काम किया था और बाद में जो बोल्ट वाली जो उसमें कहें, इतना किसी MLA ने काम नहीं किया जितना इन्होंने किया। फिर दोनों भाई नरम हैं, 24 घंटे कभी फ़ोन मारो कोई चीज़ अवेलेबल है, जैसा आज के ज़माने में हमें कैंडिडेट चाहिए वो ये है, इनको प्लस पॉइंट मिलेगा औरों से ज़्यादा। आप कहना चाह रहे हैं जैसे कि फरीदाबाद में इन्होंने विकास किया था, इसी तरीके से बल्लभगढ़ में विकास करेंगे? बल्लभगढ़ में ज़्यादा विकास होगा, इन्होंने काम ही करना है और कुछ करना ही नहीं होता है जी। तो बल्लभगढ़ के लिए लोगों में उम्मीद है बहुत ज़्यादा, और जो इनका काम पहले भी देखा हुआ है, कोई किसी उसमें नहीं है, किसी कंट्रोवर्सी में किसी तरह से, तो इनका पर्सनल बड़ा बहुत अच्छा है। कांग्रेस की सारी सीटें निकल रही हैं, लोग बोल नहीं रहे हैं, अकेले में बात करो तो दिल की बात करते हैं जी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी से लोग परेशान हैं? बहुत ज़्यादा, और बहुत परेशान है। यूथ से क्या कहना चाहेंगे, आने वाले यूथ से क्या कहना चाहेंगे? यूथ सबसे ज़्यादा नाराज है, क्योंकि उनको कुछ मिला ही नहीं है, रात दिन भगे, पसीना बहाया, MP बनाए, MLA बनाए, सरकारें बनाई, मिला क्या? कुछ नहीं। नौकरियों के इतने सारे दावे किए थे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ नौकरी इन्होंने दी किसको है, कहाँ दी है? ऐसे बोल रहे हैं हमने 3,000 लगा दिए, 2,000 लगे, आपके पड़ोस में कोई लगा, गाँव में लगा, कहीं कोई दिखा के नौकरी लगाया है, तो झूठ बोलने का काम है। जैसे कि अभी 14 तारीख को मोदी जी आए थे, उन्होंने इतने सारे संबोधन, इतने वादे करके, हाँ वो पक्के हैं उस काम के लिए, वादा ही होता है इन पर और कुछ होता नहीं है, सब वादे करते रहते हैं। आधी से ज़्यादा सीटें खाली थी, लोग कहाँ गए थे? और जितने लोग गए थे वो को बीजेपी को वोट देंगे, वो देखने गए थे कि अब कितना और अच्छा झूठ बोलता है, कितना अच्छा काम करता है। अभी पीछे इन्होंने महाराष्ट्र में मोदी जी ने कहा था, मैंने TV में खुद देखा है, कि ये मैं 25 साल बाद जब रिटायर हूँगा तो मुझे किराए का मकान ढूंढना पड़ेगा। अब कितना बड़ा झूठ है, अगर कोई 5 दिन भी प्रधानमंत्री रहता है उसे सारे जीवन उसे सुविधा मिलती है, मकान मिलता है, स्कूटरी मिलती है। ये 10 साल 5 साल रह के भी किराए का मकान ढूंढेगा, ये उल्लू बनाने का काम है इनका।